गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 6 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर। आज 2076 संवत्सर का शुभारंभ है। आज ही नवरात्र का प्रारंभ है। हिंदू संवत्सर यानी हिंदू जो वर्ष है उसका शुभारंभ आज ही माना जाता है। अंग्रेजों के कई वर्षों के राज्य के बाद ये जनवरी फरवरी यहाँ भारत में प्रचलित हो गई और इसको हम लोग नहीं हटा पाए। तो प्राय प्राय जितना भी व्यवहार है वो अंग्रेजी तिथियों से ही होता है। यहाँ तक कि ये जो ग्रंथ भी हमारे हाथ में है ये भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। आज भी जो सनातनी महापुरुष हैं वो 1 जनवरी को अपना नया वर्ष नहीं मानते। आज से ही अपने नए वर्ष का शुभारंभ मानते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी के सानिध्य में ये जो नवरात्र का अनुष्ठान आज प्रारंभ होने जा रहा है। दिल्ली से माता जी भी आई हुई हैं। प्रत्येक अनुष्ठान में संकल्प लेने के लिए आप तो आ ही जाते हैं और अंतिम दिन में भी उसके एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो ये जो सनातन धर्म में इस प्रकार के रखे गए हैं शुरू से ही अनुष्ठान वगैरह, ये बहुत ही हृदय को पवित्र करने वाले हैं। अपनी अध्यात्म उन्नति के लिए भी प्रतिदिन की पूजा, जैसे माता जी कह रही थी कि वहाँ दिल्ली में होती है तो आज वहाँ पहुँच जाएंगी और वहाँ पे भी पंडितों द्वारा जो भी होता है सभी स्थानों पर प्राय प्राय तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि इनसे ये जो आधिदैविक जगत है उससे हम लोग अपना संबंध बना पाते हैं। पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो इन्हीं देवी शक्तियों द्वारा है। इसका ऋषियों ने बहुत अच्छा अनुसंधान करके और इतनी अच्छी परंपराएं अपने सनातन धर्म में डाल दी कि वो आज भी वैसे के वैसे ही जो धार्मिक लोग हैं उसको सिर्फ चला नहीं रहे हैं, उनका भाव भी जुड़ता है और वे बड़े आनंद के साथ इसको अपनाते हैं। जहाँ तक आज के पृष्ठ का प्रश्न है, इस पृष्ठ का रहस्य हमको स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने बताया। आनंद वृंदावन में करीब 4 साल पहले जैसे ये अभी आचार्य जी आए हुए हैं तो हम यहाँ का सत्संग नहीं करके वहाँ पहुँच जाते थे और फिर वहाँ के लोगों के साथ उस दिन का आनंद रस रत्नाकर का पृष्ठ भी कर देते थे आचार्य जी के सत्संग के बाद। तो प्रबुद्धानंद जी आए हुए थे, वो भी बैठे थे, महेशानंद जी भी थे। तो 6 अप्रैल का पृष्ठ जब पढ़ा गया तो यहाँ शुरू में महर्षि बताएंगे, शीर्षक तो है दूसरे को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो
प्रारंभ है कि एक हमारी बहुत आत्मीय लड़की है और उस आत्मीय लड़की ने क्या किया उसकी आज कथा है। स्वामी प्रभुदानंद जी ने पृष्ठ के पूरा होने के बाद बताया कि स्वामी जी, ये आत्मीय लड़की और कोई नहीं, महर्षि की पुत्री कमला अभी है उनका शरीर, उनके भाई बाबा जी उनका शरीर तो हाल ही में पूरा हुआ पर कमला अभी है। तो बिना नाम दिए महर्षि ने ये घटना बताई है, पर इसका रहस्योद्घाटन स्वामी प्रभुदानंद जी ने किया क्योंकि उनको ये घटना पता थी। वो तो बहुत वर्षों से महर्षि की सेवा में थे। एक हमारी बहुत आत्मीय लड़की है, उसके पति की जब थोड़ी तनख्वाह वेतन बढ़ गई तो वे शराब पीने लगे, और एक एंग्लो इंडियन लड़की थी उसके साथ रहे। वह लड़की बहुत परेशान हुई। स्वाभाविक है कि महर्षि से जब मिलना हुआ होगा तो पिताजी से पूछा, तो उसने पूछा कि क्या करें। अब देखिए महर्षि ने उसे क्या कहा। मैंने कहा तू उनकी सेवा कर, यानी जैसे तुम अपने पति की सेवा करती हो वैसे ही करती रहो, और जहाँ तक वो एंग्लो इंडियन लड़की का सवाल है उनसे यह भी कह दे, यानी अपने पतिदेव को यह भी कह दे कि आपको छुट्टी है, उस लड़की को आप घर में भी लाकर रखें तो रख लें। महर्षि ने सलाह दी कि तू अपना अभिमान छोड़ दे और कह दे जैसा आपके घर में दासी रहती है वैसे बर्तन मांजूंगी, कपड़ा धोऊंगी, खाट बिछाऊंगी, ऐसे ही मैं रहूंगी। ऐसे क्यों रहोगी? क्योंकि अब सनातन हिंदू धर्म के अनुसार हम आपका घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। ये जो परंपराएं हैं सनातन हिंदू धर्म की अद्भुत हैं, और इसी के आधार पे महर्षि ने सलाह दी। नारायण महर्षि बीच बीच में जब प्रवचन करते थे तो ये ध्यान योग, यानी कल का भी ध्यान योग का ही प्रवचन है श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर, और आज भी उसी ग्रंथ में से, यानी प्रवचन में किसी प्रसंग विशेष में ये बात महर्षि सुना रहे हैं। वह करने लगी ऐसा। थोड़े दिनों में श्रीमान को भगंदर हो गया। भगंदर एक रोग होता है जिसमें बड़ा कष्ट रहता है, गुदा के मार्ग का ये रोग है। तो पहले कुछ रहा होगा, वो बढ़ गया। तब वह जो एंग्लो इंडियन लड़की थी वह उन्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। अच्छा, इनका क्या हुआ? ये अस्पताल में इनको भर्ती करना पड़ा, तो वे गए अस्पताल और फिर कष्ट खाई कराहे, मतलब कष्ट के मारे चिल्लाते थे। 2 महीना अस्पताल में रहना पड़ा, वे कराहे और चिल्लावे, बड़ा भारी भगंदर। अब हुआ क्या उसका, आगे की घटना का वर्णन करते हैं। एक दिन रात को जब वे अस्पताल में बड़े जोर से चिल्लाने लगे तो लड़की ने कहा कि देखो, जब चिल्लाते ही हो तो भगवान जो करने वाले हैं सो तो होगा ही, मुंह से चिल्लाते ही हो, आओ भगवान का नाम ले, मैं भी तुम्हारे साथ बोलती हूँ। इस पैराग्राफ में सब लोगों के लिए बहुत काम की बात महर्षि बता रहे हैं। जब भी कष्ट आवे तो बजाय चिल्लाने के भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। स्वामी प्रभुदानंद जी एक बार, उनको तैरने का बड़ा शौक था, तो समुद्र में दक्षिण में गए हुए थे। उस समय मैं नहीं था सेवा में, पर लोग सुनाते हैं
कि महर्षि भी सुनाया करते थे, एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर गए तैरने के लिए जहाँ पहले से ही वहाँ लिखा था कि खतरा है, और हुआ वही, समुद्र ने उनको ले लिया। अब जो लोग साथ में वहाँ थे महर्षि के, वो बड़े चिल्लावे, देख रहे थे कि अभी लौटने नहीं है, लौटना नहीं है। तो महर्षि ने कहा, देखो चिल्लाओ मत, बैठो सब और हम लोग सब जप करें, कीर्तन करें। जप शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया और थोड़ी देर में समुद्र ने लौटा दिया। थोड़े क्षत विक्षत हुए। तो यहाँ इस घटना से हमको भी ये शिक्षा लेनी है कि जब भी कभी कोई कष्ट आवे या कोई दूसरा भी कोई कष्ट में हो, तो जैसे उसने लड़की ने यानी उनकी श्रीमती जी ने ये सलाह दी, तो दोनों अब मिलकर भगवान का नाम लेने लगे। आगे के पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज से वर्णन करते हैं, अब वे दोनों मिलकर हरे राम हरे राम हरे राम ऐसे बोलने लगे अथवा महामंत्र का जप करने लगे। थोड़ी देर में उनको नींद आ गई, बड़ा आराम मिला। उस रात को और उसके बाद ऐसा लगा कि रोग अच्छा हो रहा है। तब वह लेकर द्वादशाक्षर मंत्र की माला जपने लगे। लड़की ने ही उनको बताया, तो लड़की तो उस मंत्र का जप करती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसकी माला अपने पति को उसने बताया कि अब ये माला जपा करो, क्योंकि उस रात जो आराम मिला है ना, और उनको ये भी लगने लगा कि रोग अच्छा हो रहा है, तो वो माला भी जपने लगे। अब स्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल से आ गए घर पे, तो महर्षि कह रहे हैं कि 5-10 दिन में ठीक होकर अस्पताल से निकल आए। स्वाभाविक है कि महर्षि को मिलने आए होंगे। तो फिर मेरे पास आए, और इतना ही नहीं, मुझसे लिया मंत्र और अपने सब पापों का प्रायश्चित किया, क्योंकि अब देख रहे थे कि ये सब हुआ कैसे। दो महीने अस्पताल में कष्ट पाए, तो इसके पूर्व की सब घटनाएं तो सबको ही पता थी। तो ये भी देखा कि जिस लड़की से उनका था संबंध वो भी चली गई, तो खैर अपने सब पापों का प्रायश्चित किया, ये बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, व्यक्ति किसी कारण से कोई गलतियां हो भी जाती हैं तो फिर उस पर चुप नहीं लगा जाना चाहिए। हम अगर अध्यात्म मार्ग में हैं तो जब तक उन पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक वो सालते रहेंगे अंदर ही अंदर, हमको हम भजन नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धिमान इसी में है कि महापुरुषों के पास जाके उनसे पूछा जाए, है ना, कि भाई ये हमसे गलत कर्म हुआ है और इस कर्म के लिए इसका समाधान हो जाए, जो हमको ये सालता रहता है, तो इससे हम मुक्ति पा लें, उसके लिए हमको कोई उपाय बताइए। तो महापुरुष लोग उपाय बताते हैं, तो उनको भी उपाय बताया गया, तो सब उन्होंने किया, मुझसे लिया मंत्र और अपने सब पापों का प्रायश्चित किया। अब कुछ रहने के बारे में भी बात हुई कि भाई अब आगे का जीवन कैसे काटना है, तो उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि उसके बाद यह तय हुआ कि जब रुपया उनके पास आएगा वेतन का, तब लाकर वे लड़की को दे देंगे, यानी अपनी पत्नी को दे देंगे। तो संक्षेप में ये जो कथा महर्षि ने किसी प्रसंग में सुनाई है, तो उसमें
अब आगे ये जो घटनाएं होती थी कि शराब पीना और फिर है ना और दूसरा गलत कर्म, तो ये बहुत ही अद्भुत विधा है सनातन धर्म में कि परिवार में जो माताएं देवियां होती हैं उनके जिम्मे ही ये सब घर चलाने का रहता है। तो उसके बाद ये तय हुआ कि जब रुपया उनके पास आएगा वेतन का तब लाकर वे लड़की को दे देंगे, यानी उसके बाद फिर उनका जीवन ठीक रहा। अब तो वो धनंजय चतुर्वेदी जी तो नहीं रहे पर कमला का शरीर अभी है, काफ़ी वृद्धा हैं, बनारस में ही हैं। परम पूज्य महाराज जी अब इस घटना से हमको सीखना क्या है वो बता रहे हैं। असल में जो अपने हृदय को ठीक रखेगा वह तो धर्म में, भक्ति में, व्यवहार में सफल होगा, और जो अपने दिल को बिगाड़ लेगा वह तो अपने आप को ही बिगाड़ लेगा, तब दूसरे को सुधारेगा कहाँ से। आज महर्षि ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं कि हमको अपने को सुधारना है। आज का शीर्षक है दूसरे को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना जरूरी है। तो प्रश्न यह है कि हम अपने को ठीक रखें कैसे। इसी कल का और आज का इन दोनों पृष्ठों में एक साम्यता है। साम्यता क्या है? कल भी परम पूज्य महर्षि ने बताया था, आज तो बिल्कुल व्यवहार का है, पर कल बताया था कि अनमिला साजन है और अनजाना मार्ग है। तो करना क्या है कि जिनके लिए अनजाना मार्ग नहीं है और जिनके लिए ये जो साजन है, ये जो हमारे ठाकुर हैं वो अनमिले नहीं हैं, उनको पकड़ना है। वो कौन है? सद्गुरु। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, क्योंकि वो उस मार्ग में चल चुके हैं तो वो मार्ग भी हमको बता देंगे, और हमको कहीं कोई ऐसा आवे कि भाई हमको भगवान का दर्शन हुआ, तो जब हम उनको बताएंगे तो वो ये भी बता देंगे कि भाई वो भगवान है या कोई और है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के पृष्ठ में यह है कि अपने को सुधारने के लिए सत्संग। सत्संग में भी कोई कह सकता है कि भाई हम गीता पढ़ते हैं और भी सब रामायण और इसका पाठ वगैरह करते हैं, तो आप ही कुछ बताइए। तो परम पूज्य महर्षि कहा करते थे कि गीता के 700 श्लोकों का 15वें अध्याय के 20 श्लोकों में भगवान ने संक्षेप में पूरी की पूरी गीता का भाव रख दिया, और वहाँ पर भी एक हमारी दृष्टि गई कि अपने को सुधारने के लिए हम क्या करें। तो वहाँ एक श्लोक है, वैसे तो गीता में देखेंगे तो कई श्लोक हैं, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, फिर आगे चल के 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण हैं, 16वें अध्याय में देवी संपत्ति है, 13वें अध्याय में ज्ञान के लिए 20 साधन हैं, पर 15वें अध्याय की विशेषता क्या है कि एक ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए यानी हम लोगों के लिए बताया कि हमें करना क्या है, सुधरने के लिए हमें करना क्या है। यानी जितना गीता में इतना फैला हुआ है साधन, उसको एक श्लोक में कर दिया। तो यहाँ इस ग्रंथ में 15वें अध्याय के बहुत सारे पृष्ठ लिए गए हैं जून महीने में। तो मेरा ध्यान गया कि जून महीने में आप देखें पृष्ठ संख्या 160 पे परम पूज्य महर्षि उस श्लोक को लेकर बता रहे हैं। तो ये आज चूंकि अपने पास थोड़ा समय है तो थोड़ी सी इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत काम का श्लोक है। 8 जून महर्षि कह रहे हैं, आपका प्रेम
यानी भक्ति वैराग्य जो संसार से धीरे धीरे व्यक्ति उपराम हो जाता है ना, उसी को वैराग्य कहते हैं। राग द्वेष का शिथिल होना, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि भाई अब वो सन्यासी बाबा बन गए। वैराग्य का अर्थ है कि अब राग द्वेष जो है संसार में वो नहीं के बराबर है। श्रद्धा कल आया था श्रद्धा के बारे में कि वो जो साधन यहाँ नहीं, माता जी को मैं बता रहा था जो सात बातें मैंने कहा था कि आप लोग सब देख लेना 280 पे, तो उसमें एक पॉइंट है श्रद्धा और विश्वास, इसके बिना अध्यात्म यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो भी है हमारा प्रेम वैराग्य श्रद्धा साधन कोई नहीं ठग सकता। श्लोक क्या है गीता का, निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। भगवद गीता का 15वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है। एक श्लोक में भगवान ने संक्षेप में हमें क्या करना है अपने को सुधारने के लिए मानो एक सूत्र दे दिया। तो श्लोक तो 15वें अध्याय का गीता का बहुत से लोगों को याद भी होता है, कंठस्थ भी होता है। आश्रमों में तो भोजन के पूर्व 15वां अध्याय बोला जाता है। जो मान मोह से रहित है, निर्मान मोहा, संग दोष को जीत चुके हैं, जीत संग दोषा, सदा अध्यात्म में स्थित हैं, अध्यात्म नित्या, तीन बात, और चौथी बात विनिवृत्त कामाह, कामनाओं से छूट चुके हैं, द्वंद्वई विमुक्ताः सुख दुख संज्ञेय, ये है पांचवी बात, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हैं। बस ये पांच ही चीजें हैं। वे अमूढ़ पुरुष, अमूढ़ यानी बुद्धिमान लोग, उस अव्यय पद का अनुभव करते हैं, यानी भगवान के जो प्रेम है भगवत का, भगवत साक्षात्कार करिए, तत्व साक्षात्कार करिए, कहिए, ये सब किनको होता है जिनमें ये पांच चीज़ें हैं। तो यहाँ ये पृष्ठ में बात ये समझ ली है महर्षि की, ये एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, आगे के पैराग्राफ में जो महर्षि बता रहे हैं वो हमारे काम की बात है। बहुत से लोग त्याग ही त्याग की बात करते हैं, वे कोई आश्रय नहीं बतलाते। इस प्रकार बिना आश्रय के त्याग नहीं होता। कल भी ये बात आई थी, अनमिला साजन अनदेखा मार्ग, तो किसी न किसी का मार्ग निर्देशन चाहिए, तो किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। यह बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारे के त्याग करना बहुत ही कठिन है। तो अब ये जो श्लोक में बातें आई हैं उसके लिए कौन से साधन के लिए किसका सहारा लेना है, ये बहुत ही अद्भुत समझाया महर्षि ने। सबसे पहले मान और मोह का त्याग है, तो उसके लिए किसका सहारा ले, इसलिए अपने विवेक के सहारे मान मोह का त्याग, यानी ये जो अभिमान है, ये जो मोह है, इसका त्याग कैसे होगा। सत्संग में जो महात्मा लोग हमको ज्ञान देते हैं वही, उसी को कहेंगे विवेक। तो वो जो विवेक है उसके सहारे हमको समझ में आएगा कि अभिमान का और मोह का कैसे त्याग करना है। संग दोष का त्याग और कठिन है, क्योंकि संग दोष होता है राग द्वेष। कल भी महर्षि ने कहा कि राग द्वेष की चर्चा करोगे, निंदा स्तुति की चर्चा करोगे तो असुर योनियों में जाना पड़ेगा। तो राग द्वेष की, निंदा स्तुति की चर्चा छूटती नहीं है, तो इसके लिए अपना विवेक काम नहीं करेगा। इसलिए कल मैंने कहा था गुरुओं के साथ रहने से, क्योंकि गुरु लोग ये सब संसार की चर्चा करते ही नहीं,
इसलिए वहाँ पे ये जो राग द्वेष की चर्चा होती है, कल मैंने दृष्टांत भी दिया था, स्वामी विमलानंद जी कुछ बोल रहे थे तो बड़े महाराष्ट्र की अद्भुत शैली थी, उनको डांटा नहीं पर इतना ही कहा कि क्या तुमको लगता है कि ये जो तुम चर्चा कर रहे हो वो हमको अच्छी लग रही है। तो तुरंत सावधान हो गए, भाई हम गुरु महाराज को अप्रसन्न कर रहे हैं, है ना, हमारी चर्चा गलत दिशा में जा रही है। तो गुरु के सहारे संग दोष का त्याग, राग द्वेष का त्याग जो है बिना गुरु के सहारे संभव नहीं है। और तीसरी बात, विनिवृत्त कामना, ये तो अत्यंत कठिन है। कामनाएं जो हैं संतों की, ईश्वर कोटि के संतों की बात छोड़ दीजिए, बाकी क्योंकि उनको तो वस्तु प्राप्त हो गई है, बाकी जितने लोग हैं उच्च कोटि के साधक भी, जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक वो कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो ईश्वर कोटि के संत हैं, है ना, जिनको वस्तु प्राप्त हो गई है, लगेगा तो हम लोगों को कि भाई उनमें भी कामनाएं हैं, पर वो कामनाएं नहीं, वो तो भगवान उनसे जो करवाना चाह रहे हैं, है ना, वो ही उनके हृदय में संकल्प आवेगा और वो करेंगे। तो इसलिए तीसरी जो बात है वो ईश्वर की उपासना के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। तो तीन सूत्र महर्षि ने दे दिए तीन बातों के लिए। मान और मोह का मिटना बहुत कठिन है, सत्संग करते रहो और उससे जैसे जैसे समझ में आवे धीरे धीरे अभिमान भी नहीं रहेगा और मोह भी कट जाएगा। गुरु के सहारे राग द्वेष निंदा स्तुति की चर्चा, ये धीरे धीरे, है ना, अपने जीवन से हट जाएगी। ये क्या हो रहा है, अध्यात्म नित्या, यानी अध्यात्म जो हम नित्य रूप से नहीं कर पा रहे थे वो होने लगा। तीसरा जो है उपासना, यहाँ दत्तावधू जी आए थे, स्वयं देखिए शिष्य अपना जो जो करते थे वो हम लोगों को नहीं पता है, पर गुरु जी का पता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी दोपहर का भोजन, एक घंटा उपासना उनकी होगी, उसके बाद ही लेंगे, तो अब वो शायद एक भी बज गया हो, है ना, अगर उपासना बाकी है तो 2 बजे भोजन होगा, रात को भी, है ना, तो रात को भी वैसे ही था नियम। तो वो स्वयं उपासना करके दिखाते हैं शिष्यों को, हम लोगों को। तो उससे होगा क्या, ईश्वर की उपासना के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। कामनाएं क्यों, व्यक्ति कामनाओं में फंसा हुआ है क्योंकि ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ। उपासना करती क्या है कि जैसे जैसे उपासना हमारी बढ़ती है वैसे वैसे संसार के प्रति ये जो कामनाएं हैं वो अपने आप मिट जाती हैं। अच्छा, और क्या होता है, स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि जैसे यहाँ लॉन है तो सुबह आप निकलो तो इतनी ओस की बूंदें होती है कि अगर नंगे पैर लॉन पे चलो तो पांव गीले हो जाते हैं। अब क्या हुआ, प्रभात हुआ और सूर्योदय हुआ, धीरे धीरे जैसे सूर्य ऊपर आया, सूर्य की किरणों द्वारा वो जितनी ओस की बूंदें थी वो सब की सब सूर्य ने सोख ली। अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन। तो ओस की बूंदें सूर्य के द्वारा सोख ली गई। अब हम चले लॉन पे, कुछ नहीं, वहाँ एकदम हमारे सूखे, तो वो कहाँ गया इतना पानी, वो सब चला गया, सूर्य भगवान ने उसको ले लिया। यह है दृष्टांत। स्वामी चिन्मयानंद जी समझाते थे कि ये जितने हमारे में विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ठाकुर जी करते क्या है कि ये जो ज्ञान रूपी सूर्य है, उपासना जो है, ठाकुर जी जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, उपासना के द्वारा हम उनसे एक होते हैं। तो वही ठाकुर जी का जो प्रभाव है, अब ये काम क्रोध लोभ मोह जो छूट नहीं रहे थे
वो अपने आप ही बिना किसी प्रयास के, जो तीसरा पॉइंट है कि ईश्वर की उपासना के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली, अब उसके लिए कुछ रहा नहीं ज़्यादा। अब तो अध्यात्म में इतना ही है कि ठाकुर जी को थोड़ा बहुत जो काम उनका बनाना है वो बना दिया और वो मुक्त हो गए, जीते हुए मुक्त हो गए। तो इसलिए महाराज जी का आगे का वाक्य है कि इतना करके जब ईश्वर की ओर चलो तो मार्ग में ही ये फल मिला कि सुख दुख देने वाले द्वंद्वों से छूट गए। यानी पांचवा पॉइंट था, उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। ये जो तीन बातें की, और तीन बातों का अर्थ क्या है, अध्यात्म नित्या, यानी उसमें चौथी बात भी आ गई कि अब उसका जीवन जो है वो अध्यात्म प्रधान है। तो अध्यात्म प्रधान जीवन वाले के लिए हुआ क्या कि अब वो जब ईश्वर की ओर चला, यानी अपना भजन करते चला करते चला करते चला, तो मार्ग में ही ये फल मिला। पांचवा पॉइंट फल के रूप में, यानी ठाकुर जी ने उसको एक पुरस्कार के रूप में दे दिया कि अब सुख दुख उसको सालते नहीं है, यानी सुख में फूलता नहीं है और दुख में अपने को नॉर्मल, इसको कहते हैं समत्वम योग उच्चते, समत्व में रहता है, एक्विपोइस। तो ये जो एक्विपोइस है वो कैसे होगी, इसका बहुत ही संक्षेप में यहाँ महाराषि ने ये जो सूत्र दिया है, तो अपने को सुधारने के लिए ये इधर हमारी दृष्टि गई तो हमने कहा कि आज समय रहेगा तो इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार जो अंतिम पंक्ति है आज के पृष्ठ की, वो शीर्षक है, उसी को दोहरा दिया है महाराषि ने, यानी इसी से शीर्षक ले लिया है कि दूसरे को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना तो जरूरी है। इसीलिए हमारे सूरत वाले शर्मा जी कहते हैं कि वो एक महात्मा है तो प्रवचन तो करते हैं, मोबाइल की निंदा भी करते हैं, और जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं और मोबाइल उनका छूटता ही नहीं है। तो भई अपने को सुधारे बिना मंच से प्रवचन कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरे को सुधारने के लिए अपने को ठीक रखना तो जरूरी है। नारायण 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 श्री राम।